कामये अहम् गतिमीश्वरात् परम् अष्टरिद्धिर्युक्ताम् पुनर्भवम् वा आर्तिम् प्रपद्ये अहम् अखिलादेहभायम् अन्तःस्थितो येन भवन्ति अदुक्षा न कामये अहम् गतिमीश्वरात् परम् अष्टरिद्धियुक्ताम् अपुनर्भवम् वा आर्तिम् प्रपद्ये अखिलदेहोहायम् अन्तःस्थितजेन भवन्त्यदुक्षा। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाद जगत गुरु जी ने बताए, ये जड़ संसार का जितना सारे बद्ध जीव है, ये लोगों को उद्धार करने के लिए गौड़िया मठ का एक एक सदस्य गैलन गैलन अपना खून को देने के लिए तैयार है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, तमाम बद्ध जीवों के लिए, इस संसार के बद्ध जीवों के लिए गौड़ीय मठ के एक एक सदस्य मेंबर गैलन गैलन अपना खून देने के लिए तैयार रहे। गौड़ीय मठ का जो मकसद है ये साधारण आदमी कभी समझते नहीं। बिल्कुल साधारण आदमी छोटा मोटा उपकार जो है, रिलीफ, इसको ही ज़्यादातर बहुमानन करते हैं। छोटा मोटा कोई रिलीफ मिले, कोई सहायता मिले, बस इसी में वो लोग संतुष्ट रहते हैं। लेकिन बद्धजीव का जो कंडीशन है, पेनफुल सिचुएशन है, ये देखते हुए प्रभुपाद जी ने, भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद जी गुरुवर्गों ने ये सब व्यवस्था की है। जैसे बद्धजीवों का कुछ उपकार हो सके, उपकार मतलब प्रभुपाद कहते थे ये जड़ शरीर का उपकार उपकार नहीं है, ये तो छिलका का उपकार है। ऊपर का जो छिलका है इसका उपकार, खोलार उपकार, छिलका का उपकार। अंतर में जो आत्मा बैठा हुआ है, जीवात्मा, ये उद्धार करने के लिए तत्व ज्ञान का जरूरी है। तत्व ज्ञान मतलब अल्टीमेटली भक्ति का जरूरी है, तो बद्ध जीव का उद्धार संभव है। जो श्लोक दे के शुरुआत किए वो वास्तविक रंती देव का काल उठाया था। रंती देव जी भगवत सेवा के लिए ही ये जो जड़ जगत का जो जितना सारे जीव है, ये लोगों का जितना सारे कष्ट दुख है, अपना कर्मफल के अनुसार तमाम कष्ट दुखों को रंतिदेव जी खुद लेना चाहते हैं। हमको दे दो ठाकुर जी, देखिए ये लोगों को रिहा कर दो, हम भुगते रहेंगे। न कामये अहम् गतिमीश्वरात् परम् अष्टरिद्धिर् युक्ताम् पुनर्भवम् वा, हम अष्ट सिद्धि मांगते नहीं ठाकुर जी आपसे, और अपुनर्भवम् वा कुछ हमारा मांगे नहीं है। आर्तिं प्रपद्ये अखिल देहो भायम्, जितना सारे बद्ध जीव हैं, इन लोगों का जितना सारे कष्ट दुख है, तमाम
सब हमारे ऊपर दे दो, दे के ये लोगों को छोड़ दो, ये लोगों को रिहा कर दो, हम कष्ट भोगते रहे ये लोगों को। वास्तविक पक्षे रंतिदेव जी ये तो कर्म मिश्रा भक्ति है, फिर भी रंतिदेव का ये जो टारगेट है ये सही है। ये टारगेट क्या है? ठाकुर जी का उद्देश्य में कोई भी जीव का सेवा करो, इसमें ठाकुर जी है, ठाकुर जी को सामने रख के जो सेवा समर्पित कर दिया, ये इसलिए उनको सिद्धि मिल गया। लेकिन भरत महाराज जी का सिद्ध नहीं मिली, क्योंकि भरत महाराज जब भी बहुत त्यागी है, सब सभी छोड़ के आ गए, इतना बड़ा त्यागी, राज्य राजधानी सब छोड़ के आ गए जंगल में, पहाड़ी चट्टी में। भजन भी ज्ञान मिश्रा भक्ति इससे भी बढ़कर है, माने रंतिदेव का भजन का जो मार्ग है ये इससे भी बढ़कर है ज्ञान मिश्रा भक्ति। जब भी दोनों रास्ते पे पक्का, कर्म मिश्रा भक्ति में भी अल्टीमेटली जाके ज्ञान पक्का होके भक्ति में ट्रांसफर हो जाए, पक्का अनुभव, और ज्ञान मिश्रा भक्ति में भी ज्ञान जब पक्का हो जाता है तो भक्ति ज्ञान पक्का, भक्ति का नाम तो ज्ञान ही है। पक्का भक्ति मतलब जिसमें कोई, जिसमें कोई मैं मेरा ऐसा कोई बुद्धि नहीं बसता, वो बिल्कुल खत्म, और मायावादी ज्ञान नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान भी नहीं है। ऐसा करके देखा जाए तो रंतिदेव का जो भजन का प्रोसीजर है, पद्धति है, इससे भी बढ़कर है। फिर भी रंतिदेव का सिद्धि मिली और भरत महाराज जी का सिद्धि नहीं मिली, इसके क्या कारण हो सकता, यही क्वेश्चन है। इसका कारण ये है जे भरत जी महाराज हरण, एक हिरण शिशु में उलझ गए और हिरण शिशु को सेवा करना शुरू कर दिए, पूरा तमाम अटेंशन जो है उसमें डाल दिए, भगवत भजन छूट गया, सब लिखा हुआ है पंचम स्कंद में। और इतना ही नहीं, अंतिम में इतना आसक्ति बन गया, जो ये आसक्ति के कारण जंग जंग ओपी शरणम भावम त्यजति अंत कलेवरम, जो चिंता करके आदमी शरीर छोड़ते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा ही हुआ, रंतिदेव रंतिदेव जो सेवा की भगवान को सामने रखकर, हर जीवों का अंदर ठाकुर जी का दर्शन की, इसीलिए सेवा की। भरत महाराज जी का एक गलती है, वो हिरण शिशु को बचवाया, हिरण शिशु को बचाया, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन इसमें जो फंस गया ये सबसे बड़ा दोष है। हिरण शिशु का अंदर अगर भगवत है, भगवान है, जीव को बचा दिया ऐसा विचार करके करते तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं की, हिरण शिशु को बचाने के बाद उसमें तमाम एनर्जी जो है अपना अटेंशन सब डाल दी, भगवान से अटेंशन हट गया। तो ज्ञान मिश्रा भक्ति होते हुए भी ये भजन में अपना नुकसान हो गया। ऐसा करके तमाम दुनिया का जो इतिहास है, एक एक आदमी एक एक विषय में उलझे हुए हैं और काल महाराज युधिष्ठिर महाराज जी का बात समझने का कोशिश की, ना हम कर्म फलान्येषी राजपुत्री चरामि उतो ददामि देयम इति एव जजे जष्टव्यम इति उतो, ये बात को समझा। श्री कृष्णानुगत श्री कृष्ण भक्त का ही ये वचन सही वचन है।
जब भी राष्ट्रीय यज्ञों का अनुष्ठान किए, इसके बाद अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किए, भगवान का आदेश मान के किए, और उसका भी कारण क्या है ये काल भी बताया था। जब भी भारत दृष्टि में राष्ट्रीय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, ये तो बिना मतलब कोई पागल भी नहीं कर सकता, लेकिन इसका अंदर में छुपा हुआ कारण है, ये काल बताया था। राष्ट्रीय यज्ञों के द्वारा कैसे शिशुपाल आदि जो है सबका नाश हो पाया, सब जरासंध्र सबका, और कितना सारे राजा महाराज को कैदी करके रखा, और बाद में इसको बलि चढ़ाने के लिए इन लोगों का भी रिहा हो गया, मुक्त हो गया, अपना अपना जगह पे चला गया। बहुत सारे कारण हैं। और युधिष्ठिर महाराज तथा पंच पांडवों को सार्वभौमत्व दिखाया भगवान, जिसका पक्ष में भगवान है, भारी दृष्टि में उसका कितना भी कष्ट हो ना क्यों, उसका तो जय ही जय। कभी कभी आदमी ऐसा, कई आदमी ऐसा भी प्रश्न कर देते हैं, जैसे पितामह भीष्म ने भी जाने का पहले बताए, जब कृष्ण पंच पांडव सारे ऋषि मुनि द्रौपदी जी कुंती देवी सारे पहुंचे पितामह भीष्म का अंतिम समय, उस समय पितामह भीष्म का भी खुद का ये अनुभव है, बताएं। अरे ये हैरान की बात है, जिसका पक्ष में साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, इन लोगों के इतना कष्ट है, हाय हाय, ऐसा करके बताया। मतलब ये है कि भगवान हमारा पक्ष में है, इसीलिए मेरे को कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए, क्यों होगा, ये भोग दृष्टि है, ये है भोग दृष्टि। ऐसा मापिक आदमियों का भक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा समझे कि भगवान किसी भी हालत में मेरे को खड़ा कर दे, ये तो भगवान जुमा नहीं है, अपना कर्मफल के अनुसार मैंने आ गया, हमारा ये सिचुएशन है। तत्व अनुकंपा सुसमीक्षमानम भुंजान एव आत्मकृत विपाकम हृद बाग बपुवीर विदधत नमस्ते जीवे तो मुक्तिपदे सहदाय भाग। ये जो बात है, किसी भी हालत हमारा जीवन जिंदगी में आ गया, कोई कम नहीं, बहुत ऐसा ऐसा सिचुएशन हमारा जिंदगी में आया कि दूसरा आदमी होता तो मर ही जाता, ऐसा सिचुएशन फिर भी जिंदा है। पहले थोड़ा थोड़ा बहुत घबराहट आया, बाद में समझ लिया अरे नहीं ये तो ठाकुर जी का कृपा ही है, बाद में थोड़ा तो इतना अत्याचार था तो थोड़ा बहुत घबराहट प्रिलिमिनरी, बस उसका बात समझ गया ना ये तो ठाकुर जी का कृपा है, बाद में देखा सचमुच की पाए, नहीं तो ऐसा कैसे होता। तो जो भी है, ये किसी भी हालत पैदा हो जाए जीवन जिंदगी में, ये ठाकुर जी है, ठाकुर जी का ही कृपा, इसको तत्व अनुकंपा सुसमीक्षमान सुसमीक्षमान, ये सहन करते हुए भगवान का कृपा समझते हुए इसको इसको मानना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पांचों पांडवों के बारे में कोई आदमी बोलता है, अगर पितामह युधिष्ठिर तो बताया हम लोग तत्व ज्ञान के लिए, दूसरा आदमी बताया बद्ध जीव, पितामह भविष्य तो गुरु वर्गों में एक है, द्वादश महाजनों में, कोई बद्ध जीव भी ऐसा बताता है क्यों ऐसा हो, पांचों पांडवों का इतना कष्ट है, इतना अत्याचार, इतना भगवान जब पक्ष में है, भगवान कुछ भी कर सकता, ये भगवत दर्शन नहीं है। भगवत दर्शन ऐसा नहीं होता, भगवान मेरा नौकरी करे, जो भी हमारा मांगे हैं वो हमारा, आपने उपनिषद में ये तो बताया तत् नित्यो नित्यानाम चेतना एको बहु नाम जो विदधाति कामान, ये तो पढ़ा आपने, हमने पढ़ा, लेकिन ये ओवरऑल ट्रूथ है,
इन्फिनिटी ब्रह्मांडों को भगवान चला रहा है, ये तो ठीक ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब ठाकुर जी का द्वारा ही है। लेकिन प्रेमी भक्त तो कभी ऐसा सोचे नहीं कि भगवान हमारा नौकरी करे, जो चीजें हैं जो मांगे हैं हमको पूर्ति कर दे, ऐसा भगवत दर्शन नहीं होता। जो भी है तो ये जो है भगवत संबंधित क्रियाकर्मों के बारे में ये चर्चा पंचपांडव बहुत सहन की, क्योंकि सोचे कि हमारा ही कर्म फल है। और बाद में सारी समस्या का समाधान होने का बावजूद कुंती देवी कह रही है जब भगवान विदा होने लगे हम चले जाएं, हमको बस अनुमति दे दो हम दारिका को चले, तो कुंती देवी रोने रोते रोते बताया कि अभी तो आपको रहना चाहिए इधर। बोले अभी क्या रहे, अब तो समस्या का समाधान हो ही गया, सार्वभौम सार्वभौमत्व तो युधिष्ठिर महाराज का प्रतिष्ठा, अब आप क्या कोई मुसीबत, अब तो कोई मुसीबत है नहीं। कुंती देवी ने बताया बताई कि महाराज अभी तो भगवान अभी तो मुसीबत शुरू भई, शुरू भई कैसे, तो समस्या तो समाधान है। बोले नहीं, असली मुसीबत तो अभी है। असली मुसीबत कैसा, बल अभी तो इतना सारे राज्य राजधानी वैभव, कोई विपक्षी नहीं है, अभी आपने आपको भूलने का चांस है। अब आपको भूलना ही तो सबसे बड़ा मुसीबत है, राज्य राजधानी सारे निष्कंटक, यही तो मुसीबत का कारण। असली मुसीबत तो अभी है, इतना दिन जो मुसीबतें रहे ये तो असली मुसीबत नहीं है, अभी तो आपको भूल जाएंगे, ये विषय में इतना सब चीज़ों में भूल जाएंगे। लेकिन ये बात पक्का है कुंती देवी तो भक्ति भक्ति है, इतना भक्तिमती इसीलिए ऐसा कह रही है। लेकिन पंचपांडव बाकी जिंदगी में कभी भी कृष्ण को भूले नहीं, और अंदर में वैराग्य ही वैराग्य, भगवान का आदेश के कारण राज्य राजधानी को आप परिचालना जो कुछ भी है अपना काम कर्तव्य कर्म करते हुए भी कोई बंधन में नहीं फंसे, कोई बंधन में बिल्कुल नहीं। और इतना वैराग्य पैदा हुआ कि अंतरी में सारे अनायास छोड़ के चले गए। विषय का अंदर रहना भगवान का मतलब ये है, भगवान कहना चाहता है कि देखो विषय का अंदर रहना ये मुश्किल नहीं है, विषय तो रहेगा लेकिन विषय हमारा अंदर रहे सबसे बड़ा मुश्किल। जैसे बोट है, किश्ती है, किश्ती तो कहाँ रहे, किश्ती तो पानी में ही रहेगा, किश्ती तो पानी में ही रहेगा, इसमें क्या है। लेकिन किश्ती का अंदर अगर पानी रहे तो बस खत्म। ऐसा विचार करके हम लोग समझने का कोशिश की, पहले का सुंदर जो श्लोक की व्याख्या समझते, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयतिह यः अघायु रेन्द्रियारामो मोघम पार्श्व सजीवति। इसका व्याख्या हो पाया काल मुश्किल से, और भी हो सकता व्याख्या लेकिन अब समय नहीं है। अभी कह रहे हैं भगवान अर्जुन को, जस्तु आत्मरतिरेव सात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव, यस्तु आत्मरतिरेव सात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। इसका माने क्या है, इसका मानी है जस्तु माने किंतु, पहले का श्लोक का साथ कनेक्टेड है इसीलिए ऐसा तू किंतु बताया। ये जो अघायु रिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती, उसका बात किंतु जो मानव आत्मा में
संपूर्ण लगन लगा के बैठे हैं, आत्मा में रहते हैं, आत्मरति मतलब आत्मा में आसक्ति प्रीति विषय में नहीं। तमाम जगत में दो चीज है, आत्मवस्तु और विषय, दो ही चीज है। मायावादी लोगों ने तत् अतत, जिसको संस्कृत में शास्त्रीय भाषा में तत् अतत वस्तु, तद वस्तु अतत वस्तु, तमाम दुनिया इन्फिनिटी दुनिया में दो चीज है, एक है तद वस्तु एक है अतत वस्तु। मायावादी लोग नेति 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 न इति न इति करते करते तद वस्तु को भी काट के फेंक दिया, मतलब भगवान को भी फेंक दिया। ये वैराग्य का कोई वैल्यू नहीं है, ये वैराग्य नहीं है, ये अविद्या है, ये विद्या तो बिल्कुल नहीं है। ये लोग समझते हैं हम लोग विद्वान हैं, विद्या तो बिल्कुल नहीं, उल्टा अविद्या है, अज्ञान है, माया है। नहीं तत् नहीं तत् न तत् न तत् नेति 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 करके भगवान को भी छोर काट के फेंक दिया, बस चलो समस्या खत्म। अब जैसे ब्राउन शुगर खाके और स्नैक बाइट लेके बैठता है बूद होके बैठ, पोपा जी कहते बूद हो जाना। अरे बूद होने से क्या बात है, कॉन्शियसनेस को लोग, अरे अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी रहे, लेकिन मैं भगवान का हूँ बस। अगर भगवान ब्रह्म वस्तु और हमारा अंदर में चिदात्मा ये भी ब्रह्म वस्तु सब सारे मिल जाए तो कौन किसका सेवा करे। सेव्य सेवक भाव ये तो अनंत काल के लिए सच्चा है। सेव्य सेवक भाव को मिटाने का कोशिश करना ये तो मायावादी का सबसे बड़ा अपराध है। मैं तो राम हूं, मैं किसको दंडवत करूं। सेव्य सेवक भाव नित्य भाव है, भगवान सेवक और जीवात्मा सेवक है, भगवान सेव्य है, ऐसा भाव नित्य काल के लिए सच्चाई है। वेदस्तुति में भी बताया है, बहुत सारे वेदस्तुति, जय जय या जयाम जित दोष गिभीत गुना तमसी यदात्मना समबरुद समस्त भग अग जग दो को साम किल सक्त बोधक थे। इसमें वेदस्तुति में अंतिम में यह आता है, ये विचार आता है, भगवान सेव्य सेवक संत, सेव्य सेवक जो संबंध है ये नित्य काल के लिए सच्चा है, कोई तोड़ नहीं सकता। अगर जो जो वस्ती तोड़े तो ऐसा ही है, नेति नेति करके भगवान को ही काट के फेंक दिया और कुछ नहीं है। तुम आत्मरति जस्तु आत्मरति रेव, ये जो आत्मरति है मतलब आत्मा में ही आसक्ति है, लगन है। और तमाम दुनिया में दो वस्तु है, एक तद वस्तु एक अतद वस्तु है। तद वस्तु है सद वस्तु, समझा मेरा, जैसे कि कोई आचमन आदि कुछ करने जाए युग आदि, ओम तत्सत ओम तत्सत, ये जो बताया ये ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म मंत्र, यही ब्रह्म वस्तु है। एकाक्षर प्रकार के एकाक्षर का रूप में हमारा सामने है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म बारण मम अनुस्मरण ज प्रयाति तेजो न देह त्याजो न देहम स याति परमाम गतिम, गीता में भगवान स्वयं बोले ये ब्रह्म वस्तु है। इसको ही तत् शब्द हो, तत् तत् माने वही वस्तु है, और जो वही है तद वस्तु है वही सद वस्तु है। जो ओम है, ओम ये तद वस्तु है अर्थात ब्रह्म वस्तु है, ब्रह्म ब्रह्म वस्तु न ब्रह्म ही है। ओम तत् वो सद वस्तु है, सद माने नित्य रहने वाले, इन्फिनिटी काल अपना पोजीशन पे रहते हैं, ये अपना पोजीशन से कोई इसको डिस्प्लेस्ड नहीं कर सकता,
इसका नाम, इसका नाम है इसके लिए इसका नाम है अच्युत। ही नेवर कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज ओन पोजिशन एंड रैंक एंड ग्लोरी। भगवान का जो महिमा है, भगवान का जो स्थिति है, भगवान का जो कुछ भी है, वो अपना स्थिति में हर वक्त सही ढंग से है। कोई बाहरी वस्तु कोई भी अब तक पैदा नहीं हुई, होगा भी नहीं, जो इसको अपना पोजीशन पे डिस्प्लेस करे। चाहे हिरण्यकशिपु हो, हिरण्यकश्यप हो, क्यों ना हो, रावण हो, कुछ भी हो, इसको अपना पोजीशन पे डिस्प्लेस करने का कोशिश करे। कभी कभी अपना शक्ति को लेके चले, ये असुर लोगों का काम है। कभी शक्ति को अबडक्ट करते हैं, उठा के ले जाते हैं। शक्ति तो उठाने वाला चीज़ नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा चित शक्ति, फिर भी कोशिश में है, छाया शक्ति को लेके गए। आ कभी कभी भगवान को मार दो, शक्ति को रख दो, ये दोनों में एक है, मायावादी है ये। तो ये तमाम जगत में दो वस्तु है, एक है तद वस्तु है और तत्सत वस्तु है, नित्य रहने वाले जो वस्तु है, और अतत वस्तु जो प्रापंचिक वस्तु है, जो नाशवान है तो उसका एग्जिस्टेंस तो है ही है। एग्जिस्टेंस आपको देख रहा हूं, सब दुनिया को देख रहा हूं, सब कुछ कुछ नहीं है, संसार है ही नहीं, ये मायावादी का विचार है, गाधे का माफिक। संसार क्यों नहीं, खम तो है, संसार है लेकिन नाशवान है, ये बोल सकता, संसार है ही नहीं, क्या बात है, मेरे सपने जैसे, तेरा शरीर भी नहीं सपने जैसे है, है? पागल, बेकार की बातें करते हैं। तो ये जो है आप, तो तद वस्तु अतद वस्तु, जो लोग बड़ा कॉन्शियस है, चेतन जगत में लगन लगाने वाले जो है सर्वकत, ये कभी अतत वस्तु का पीछे नहीं भागते। चाहे सुंदरी लड़की हो, चाहे तुम कड़र, अरे देख सकते हो परीक्षा करके, कितना परीक्षा करता है, हैं, संत महात्मा को परीक्षा करके फेल्योर हो जाता है। कुछ भी चीज ये लोगों को लुभा नहीं सकता, कल इस विषय में चर्चा करेंगे। तो अतत वस्तु का ऊपर इसका अटेंशन है नहीं, इसका बारे में बहुत सारी चीज हमने बताएं, जानी स सर्वभूतानं तस्यं जागृति संयमी जसम जागृति संयमी सानी सव पश्यतो मुने इत्यादि बहुत सारी चर्चा हो पाया। कहने का तात्पर्य ये है, एक वास्तव साधु हर वक्त चेतन राज्य के बारे में एकदम ख्याल रखता है, हर वक्त, उसका कोई अतत वस्तु के साथ कनेक्शन नहीं है। बाहरी दृष्टि में लगता है कि थोड़ा लगन है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाहरी दृष्टि में लगता है कि लगन है लेकिन बिल्कुल नहीं है, वो लगन उठा के बैठे, लगन लगा के बैठे हैं इसी चीज में, तद वस्तु। तो ये जो दुनिया का दो चीज है, तद वस्तु और अतद वस्तु, अतद वस्तु तो नाशवान है, और जितना सारे बद्ध जीव अतद वस्तु का पीछे ही भागे रहे, भागे चले जा रहे, और जितना भी समझाओ बुझाओ वो तो समझने का तर कोशिश ही नहीं करते। पोपा जी दुखी होकर कहे, हम हरि कथा सुनने वाला एक आदमी भी नहीं देखा, एक आदमी नहीं देखा जो वास्तविक हरि कथा सुनना चाहते है, वास्तविक कृष्ण भजन करना चाहते है, देखा ही नहीं 40 साल में, एक आदमी देखा ही नहीं। कुछ भी करता है तो उसका पीछे लाभ लाभ लुस्कान का हिसाब है, मतलब अपना प्रतिष्ठा होगा कि नहीं, अपना प्रतिष्ठा का सवाल है इसमें। प्रीचर बनना चाहता है कि वो चाहे प्रीचर प्रीचिंग कर रहा है, लोग हमारा खूब संपत्ति बढ़े और पोजीशन बढ़े, रैंक बढ़े, ये निस्वार्थ रूप में कि भगवान का बातें कहने का जो इच्छा ये है ही नहीं, निस्वार्थ कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी परीक्षा कर लो, चाहे कथा बंद कर दो, कुछ भी कर दो, वो कुछ नहीं आता जाता, क्योंकि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसका कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, उसको मुसीबत में फंसाना बहुत मुश्किल है, बहुत कोशिश में लगे हैं आदमी, इसको फंसा दो,
जैसे ना कथा ना बोल सके ऐसा समस्या पैदा कर, समस्या कैसे है, कैसे पैदा करोगे? जिसका कोई लगन ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट, उसको मुसीबत में फंसाना बहुत मुश्किल है। उल्टे आप फंस जाओगे, करने जाओ तो देखो करो आपका ही खटिया खड़ा हो जाएगा, ऐसा समस्या आ पड़ेगा, अब देखोगे कहां से आ गया, ऐसा ही होगा। जो भी है, ये जो आत्मरति का बात आया, हमारा नीति शास्त्र में एक बात है, याद हो गया, सदयम हृदयम जस्यो वाचः सत्वभूषितम कायः परहितम जस्यो कलिहि तस्य करोति किम्। सदयम हृदयम जस्यो वाचः सत्वभूषितम कायः परहितम यस्य कलिः तस्य करोति किम्। बड़ा बढ़िया बात सच्चा गले, इसको कलि क्या कर सकता। सदयम हृदयम जस्यो, जिसका दिल पिघल जाता है पूरा दुनिया को बचाने के लिए, कोई शत्रु मित्रों के फ्रेंड एंड फो कंसेप्शन इज नॉट एट ऑल देयर, ये शत्रु है मित्र है नहीं, फिर भी वो बच के चलते हैं, उसको हटा देते हैं उपेक्षा करके। ऐसे तो शत्रु मित्र बुद्धि है ही नहीं, फिर कि इसको हटा, क्योंकि हंगामा पैदा हो जाए। सदयम हृदयम जस्यो, जिसका हृदय हरवदा सदय है, करुणा है, करुणा विगलित हृदय है, अरे कैसे जगत का मंगल हो, उल्टा रास्ता भी चल रहा है, हाय हाय, ऐसा करके जिसका हृदय हर वक्त रोते रहते हैं, ये भगवान का सृष्टि है, जितना सारे जीवात्मा है सब, विशेष करके आदमी मनुष्य जाति, ये अगर भगवान का बारे में समझने में आलसी हो जाए तो रास्ता क्या है। ये जो शरीर मिला है ये तो भगवान भगवान भजन भगवत भजन के लिए, लेकिन ये अगर करना आयस आराम में व्यासन में आयस आराम में व्यासन में अपना शरीर को खत्म कर दिया, ये लोग रोते रहते हैं, ये मारना चाहते हैं आपको, काट के फेंक दे हैं, आप तैयारी रहो मरने के लिए, जमालय में जाने, ठीक है तैयार है आओ, कब आओगे, जमालय में तो जाना ही है, जाएंगे। जमराजी महाराज द्वादश महाजन का एक जन है, दर्शन हो जाएगा, जमराज महाराज हमको तो दर्शन नहीं देंगे, तो चलो ठीक है, इतना उपकार किया बचपन से, पालन तो सब कुछ किया, एक अक्षर भी नहीं जानता, एक गाधे को तैयारी किया प्यार करके, उसका बाद हमारा गला काटना चाहते हैं, काट के फेंक देंगे, और बाहरी आदमी उसको फ्यूल दे रहा है, अरे करो महाराज जी का पीछे, हम तो है, ये साधु समाज नहीं, पशु समाज, साधु समाज ऐसा नहीं होता कभी। चलो ठाकुर जी का इच्छा, सभी परीक्षा मान के डाल देते हैं, चलो ऐसा करके तद वस्तु अतद वस्तु दोनों का हिसाब आपने किए। और इसमें संत महात्मा का जो विचार है, हर वक्त दिल रोते रहते हैं, कैसे लोगों को बचाए, सदयम हृदयम जस्यो अर्वाचः सत्यभूषितम, कोई भी आदमी लड़ने के लिए आए फिर भी वो सच्चा बोलना बंद नहीं करेंगे। हरिदास ठाकुर को कितना पिटाया, 22 बाजार में मार के चटनी बनाने का, फिर भी हरिदास ठाकुर अपना जवान में अपना ठाकुर जी का नाम लेना बंद नहीं किए। प्रभुपाद जी का ऊपर कितना अत्याचार हुआ, फिर प्रभुपाद जी अपना सच्चा प्रवचन बंद नहीं किए। केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति ठाकुर, सारे सच्चा बोलना बंद नहीं किया, चाहे कुछ भी कर लो तुम, मरना तो है ही है। तो ऐसा बात है, सदयम हृदयम जस्व, जिसका हृदय करुणा से विगलित है, भगवान का ये सृष्टि है, ऐसा जीव है, जीव के लिए करुणा है, किसे बचाए लोगों। और उसका बाद जिसका वचन जो है सत्य से भूषित है,
असत्य वचन है, आक्रमण करने जाए तो कर नहीं पाए। अगर आए पहला बात तो योग्य, आप बताओ ये सच्चा नहीं, नृसिंहदेव का चरण छू के बताओ ये सच्चा नहीं, बोला बताओ, और हम भी बताते ये सच्चा है, देखो आगे चलकर क्या होता है, आएगा नहीं मेरा साथ, डर के मारे भागेगा। तो ये जो है बात, सदयम हृदयम जस्व वाच सत्यभूषितम, और कायम जो शरीर है ये भगवान का सृष्टि, आप लोग हैं, आपका लिए ही है, जितना भी कष्ट हो लेकिन ये सेवा करना चाहिए। हमारा अपना तरफ से कितना भी हो कष्ट, ये कष्ट कष्ट नहीं है, इस बात का आनंद है कि हमको आपने सेवा दिया है, आपका चरणों में मैं आभारी हूं, बस इतना ही मेरा अंतर में ये भाव है, मैं एक मेरे को सेवा दिया है, कौन देता सेवा, जो सेवा दिया है वो तो मेरा गुरु है, मेरे को प्यार करके आशीर्वाद देके मेरे को सेवा दिया है, इसमें अहंकार का तो कोई बात है ही नहीं, कीड़े मकोड़े जैसा हम है, ये अनंत ब्रह्मांड में मैं क्यों कौन हूं, सेवा मिला है यही सबसे बड़ा आनंद है। और का यह हमारा शरीर पर हितम जस, पर हित के लिए, पर हित के लिए ये साधु का होनी चाहिए, किसने कहां प्रेतात्मा में फंस गया उसको बचाओ, कौन अपना कर्मफल के अनुसार पड़ा हुआ है 14 साल से लंगड़ा बन के पैरालिसिस होके, महाराज बचाओ, ठीक है चलो गोवर्धन परिक्रमा करके उसको दे दो, भागवत पाठ करके उसको दे दो, फल मिल जाएगा, ये अपना लिए सोचते नहीं, जानता भी नहीं, साधु का जो सेवा है गुप्त रूप से कर देते हैं, कोई आदमी पड़ा हुआ है बीमार, कोई महाराज जा नहीं सकता, उसका नाम पे परिक्रमा करके उसका नाम पे फल दे दिया, अक्सर ये करते हैं, ऐसा नहीं कि काल किया परसों किया, ऐसा नहीं, इसके जिंदगी में ऐसा है, पर हितांग पर का यह पर हितम जस्सो, इसका शरीर जो कुछ है सब सब कोई का मंगल के लिए, और इसका लिए इसका पीछे कली अगर टूट पड़े, अगर ऐसा मापी कोई संत महात्मा है, इसका पीछे अगर कली टूट पड़े कुछ भी कर नहीं सकेगा, कली का बाप का भी हिम्मत नहीं है कुछ करे, वो मर के एकदम खाक हो जाए, क्योंकि उसका पीछे बलदाव जी महाराज है, नित्यानंद स्वयं है, और कुछ भी करने जाए उसका खटिया खड़ा हो जाएगा। तो जो भी है इधर देखो विचार, आत्मरति पहले बताए, जस्व आत्मरति रेव, पहले बताए आत्मरति, उसका बताए यस्तु आत्मरति रेव साध आत्मतृप्तश्च मानव, उसके बाद आत्मतृप्त, पहले आत्मरति, तो आत्मरति ये शब्द आया, आत्मरति का मतलब आत्मा में लगन लगने वाले, लगन लगाने वाले, हर वक्त लगन लगाने वाले, लगन लगा के बैठे है, आसक्ति आत्मा में है, विषय में नहीं है, लूटना चाहे तो ले जा, मेरा कितना लाइब्रेरी है, 2-3 लाइब्रेरी, पूरा तमाम खजाना लूट लिया, बाहर का डाकू भी ऐसा नहीं करेगा, वो कर दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर मिला दिया ठाकुर जी, ऐसा करके ये ठाकुर जी का परीक्षा है। आत्मतृप्त मतलब आत्मा में ही तृप्त रहने वाले, जो सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मा में ही जो संतुष्टि रखने वाले, इसका बाहरी कोई भोग्य वस्तु में अटेंशन नहीं है, कोई भी इतना भोजन बनता है मठ में, इतना आश्रम में बोझ को कर दिया, सब खिला दिया, गौ माता को भक्त लोगों को दे दिया, चलो और खुद क्या खाते हैं, अब जाके देखो तो चुपके से खा लेता है 2 रोटी और दाल, पता भी नहीं आपको, ऐसा करके अपना जिंदगी गुजर रहा है संत महात्मा लोग, और इसका पीछे कौन आएगा, ठाकुर जी तो है ही है। तो ऐसा है आत्मतृप्त मतलब आत्मा में ही जो तृप्त है, बाहरी किसी भी भोग्य वस्तु में इसका लगन नहीं है,
भगव वस्तु का निरपेक्ष है, कुछ भी है उसमें उसका टेंशन नहीं है। आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट आत्मा में ही जिसका सुख मिलता है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंटल ब्लिस अप्राकृत सुखानुभूति, अप्राकृत सुखानुभूति अपने आप कुछ नहीं है, चारों ओर टूटा मूटा चीज पड़ा हुआ है। गौर किशोर बाबा जी महाराज का क्या है, एक तुलसी है बगीचे में बाहर में, आ अंदर में टूटा फूटा एक यू नो पानी का डब्बा है और माला है, लोटा सोटा लंगोटा तीनों संपत्ति आ कुछ नहीं है, और फिर भी अंदर में खुशी खुश, कैसे खुश आता महाराज, कुछ है ही नहीं फिर भी खुश है, क्योंकि ये जो आनंद है ये बाहरी जगत में ढूंढने जाओ तो आपका माफिक बोका कोई नहीं है। आनंद बाहर नहीं है, बाहरी वस्तु में आनंद नहीं है, आनंद तो अंदर में है। जो व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाए तो अनायास आनंद इसका सुलभ बन जाए। अंतर्मुखी बाहरी दृष्टि नहीं है, कुछ बाहर में चलते फिरते चलता है फिर बाहर में कुछ देखता ही नहीं, ऐसे अपना अभ्यास के मुताबिक चल रहा है, लेकिन तमाम दृष्टि जो है अंतर्दृष्टि है, बाहरी किसी वस्तु में कोई लगन है ही नहीं, तो उसको क्या पूछोगे आप। यस्त्वात्मरतिरेव सद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः स्तस्य कार्यम न विद्यते। हाँ, अभी ये पूरा श्लोक का ये माने आता है, माने ये माने बैठता है कि महाराज जो आत्मा में ही प्रीत है, आत्मा में ही तृप्त है, सेटिस्फाइड सैचुरेटेड, जो आत्मा में ही रमन करते हैं संतुष्ट रहते हैं, इनके लिए बाहरी कोई कर्तव्य नहीं बचता, इनके लिए कोई ड्यूटी नहीं है, बाहरी दुनिया में इसका कोई ड्यूटी नहीं बचता, कोई नहीं है, अपना निज कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। क्योंकि इसका अटेंशन जो नजर है आत्मा का अंदर अंतर्दृष्टि है, बाहरी कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा करके हर वक्त व्यस्त रहते हैं। और ऐसा मापिक जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति है, ये आत्मा राम जो शब्द है इन लोगों के लिए व्यवहार किया गया, आत्मा राम। नारद जी महाराज भी सुंदर श्लोक, भाई ये कवि देवर्षि भूतात्मनीनाम पितृणाम नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाज शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहित करतम। नारद जी महाराज कह रहे हैं, भागवत का श्लोक है सुंदर, महाराज ये कह रहे हैं कि कोई कर्तव्य आदमी का नहीं है, सिर्फ एक ही कर्तव्य, देवर्षि भूतात्मनीनाम पितृणाम नायम ऋणी च राजन, नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना जो शरणम शरणम, जो संपूर्ण रूप से भगवत चरण में शरणापत्ति सिद्ध किए हैं, इसका लिए जगत का कोई ऋण नहीं है। जैसे पहले ऋण बताया पंच सुना पंच जग्गो पंच सुना का पाप जो है कैसे काटा जाए, सारे हैं रिहा हो जाए सारे बताए, और पंच जग्गो तो है ही है, जरूरी है सब कोई का लिए, लेकिन आत्मा राम के लिए कोई जरूरी है नहीं। ऐसे तो जो भगवान का शरण में 100% शत प्रतिशत अगर शरणागत है ही, तो इसके लिए जगत का कोई ऋण नहीं बचता। ऐसा तो कोई आदमी जन्म लेता है, जन्म के साथ साथ तो उसका पास ऋण में
फांसना ही है, ऋण है ही है। पिता माता पालन किया, शिक्षक ने शिक्षा तरंग चलाया, कितना सारे समाज संसार का भी आदमी का योगदान है। मेरा जो पालन पोषण और इसमें भी सब लोग तो ऋणी है, हैं? जो किसान हैं, फसल उगा रहे हैं, दूधिया है, वो हमको घर में दूध दे के गया, ये सब तो करता ही है। शिक्षक लोग पढ़ाया, सारे ऐसा चलता है समाज में। एक दूसरे का साथ चेन वाइज, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर चेन वाइज। सब एक दूसरे का साथ रिलेटेड है, इसको जगत चक्र बोला जाता है। एक अगर स्ट्राइक कर दे, हम नहीं करेंगे एक सेक्शन, तो हो गया छुट्टी। सारे अपने आप अपना एडजस्टमेंट करके चल रहा है तमाम दुनिया में। कीड़े मकोड़े, इसका भी फंक्शन है, बचपन में पढ़ा है। एक केचुआ है, नीचे पानी जो मिट्टी का अंदर रहता है, लाल लाल लंबा कीड़े हैं, वो वे माटी को, ये एक किसान का दोस्त है, ये माटी को फाड़ देता है, माटी को फाड़ देता है धीरे धीरे। ये सब पढ़ा है बचपन में। तो सारे जगत दुनिया जो है एक दूसरे का साथ रिलेटेड है, कनेक्टेड है, और ऐसे जगत चक्र चल रहा है। सब कोई का योगदान है, सब कोई का योगदान है ही है। तो ऋण तो आना ही है। तो ये जो है वो ऐसा मापिक जो बताए देव जो नारद जी महाराज बताए, देवर्षि भूतात्मनीनाम पितृणाम नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना जरणम शरणम गतो मुकुंद परिहित करतम। ऐसा कोई मिले, भक्त मिले जो संपूर्ण शरणागत ठाकुर जी के चरण सारे दे दिया है। मानस देहो गेहो जो की चुमोरो और पिनु तु आपदे नंद किशोर। मानस देहो गेहो जो किचु मोरो और पिनु तु आपदे नंद किशोर। आत्मनिवेदन तु आपदे करी कोई न परम सुखी, दुख दूरे गलो चिंता न रहिलो, चौदी के आनंद हेरी। आत्मनिवेदन के साथ साथ ही हृदय में एक विमल आनंद पैदा हो जाता, क्योंकि तब मेरा कंट्रोलिंग, मेरा जीवन जिंदगी सारे प्रभु जी का हाथ में दे दिया है। जब तक मेरा हाथ में हैंडलिंग रखा है ना, कंट्रोलिंग पावर, तक पक दुख ही दुख। जब तक कंट्रोलिंग पावर मेरा हाथ में रखा है तो दुख ही दुख, समाधान नहीं होने वाला। जब तमाम हम देखे, जज युधिष्ठिर महाराज, पितु महाराज, अम्बरीश महाराज, सारे देखे रखा है, तुम्हारा ही है। रामचंद्र स्वयं भगवान है, रामचंद्र जी स्वयं भगवान है, फिर भी ब्राह्मण वैश्यों का आपका ही है, हमारा क्या है, कुछ नहीं, हम तो नौकर है, सब सिखाया है। लेकिन सीखने वाला कौन है? सिखाने वाला बहुत है, लेकिन खुद अपना जिम्मेदारी सीखना पालन करना ये नहीं है। भाषण देने वाला लेक्चर हजारों मिल जाएगा, फंक्शन करो, अरे जमा के ऑर्केस्ट्रा लगा दो, सब कुछ पब्लिकों को रिझा दो, प्रसाद का व्यवस्था कर दो। प्रसाद तो नहीं है, ये खाना है। बाहरी दुनिया से, जगत से तुम अपना डेकोरेटर का बर्तन लाए हो, उसमें प्याज लहसुन और मांस मांस सब होता है, महाराज प्रसाद पालो, अरे छागल कहीं का, ये प्रसाद है? ये प्रसाद है, हमने देखा दिल्ली में सारे डेकोरेटर का बासन, हम लोग प्रसाद है, दूध पागल है, ऐसा उत्सव नहीं करना ठीक है। क्या होगा ऐसा उत्सव से? और आदमी को भड़काओगे और मारोगे। प्रसाद है, अरे प्रसाद इतना सस्ता है, ब्रह्मा शंकर प्रसाद लेने के लिए रोता है, हमको थोड़ा प्रसाद दे दो। जगन्नाथ मंदिर में भिखारी का मापी लाइन लगाता है, थोड़ा प्रसाद दे दो प्रभु, अरे प्रसाद है खा लो, आहा पागल छागल सब, बेकार बुद्धि, सोचता ही नहीं कैसे जगत का मंगल, सापना प्रतिष्ठा हो गया और क्या, छुट्टी मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, पैसा और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। भेड़े का जिंदगी,
भेड़े बकरी जैसा ऐसा। ये रामचंद्र जी स्वयं भगवान होते हुए भी बोलते हैं तो देके रखा है ठाकुर, आप लोग का ही है। मालिक बनना आसान है, लेकिन मालिक बनने के बाद जो हालत होता है वो जो रियलाइज संत महात्मा है वो जानता है, वो निष्किंचन होके रहना चाहता है। जैसे वो पागलपंथी ने कोई पागलपंथी करने आए तो पीछे नहीं है, वो भग जाते। निष्किंचन जिंदगी में क्या आनंद है, क्या आनंद है वो क्या जाने, वो क्या जाने। वो तो ये टट्टी पेशाब जो विषय विष्ठा, महापुरुष जी ने बताए विषय विष्ठा क्रीड़ा, ये रघुनाथ का पिता जेठा जो है वो विषय विष्ठा का कीड़ा है, कीड़े मकोड़े, ये विषय सुख का अच्छा मानता है। अरे ये रघुनाथ का बाबा जेठा जो है कितना कितना पैसा खर्च किए, कितना अनुदान दिए गुरु वैष्णव को, हजारों लाखों लाखों पैसा खर्चा किए नवद्वीप में शांतिपुर में, कहाँ नहीं सहाँ ये देते रहते हैं। इतना देने का बाबूजी भी महापुरु ने रिश्वत नहीं लिया, महापुरु रिश्वत लेके ऐसा नहीं बोला कि हाँ वैष्णव, ऐसा नहीं बोला महापुरु, बोले ये वैष्णव नहीं है, वैष्णव का मापिक है, तिलक माला लगाते हैं सब कुछ करते हैं, वैष्णव का मापिक, वैष्णव प्राय, लेकिन कभी नहीं वैष्णव बोला। विषयी विषय विष्ठार क्रीड़ा ऐसा करके महापुरुष जी ने बताए। अब देखो हमको अगर थोड़ा बहुत डोनेशन दे दे, अरे आओ महाराज आपका चरण सेवा करे, अरे क्या महात्मा है तू, विषय का चरण सेवा करे, देना है तो दे नहीं तो भाग, ठाकुर जी का जगह है, तेरा हिम्मत है दे नहीं तो जा भाग, ये तेरा मर्जी है, ये ठाकुर जी का दरबार है, इसमें सब कोई कहा गया नहीं तो जा भाग। कस्मात भजंती धन धन ध्रुव दान धन, सुखदेव को समय बताए काहे को ये संत महात्मा लोग पैर पकड़ने जाता है विषय लोग का, इसमें क्या सुविधा बनेगी। कस्मात भजंती कवयो धन ध्रुव दान धन, ये तो अंधा है ही है, हैं वो तो है अंधा और गिरने वाला है, तुम जाके उसको हरि कथा सुनाओ, उसका दिल का चेंज करो, तभी परोपकार है। नाटक बनाने के ड्रामा करने के लिए आ रहे हैं सब प्रचार। इधर बताया देखो विचार करके तो नारद जी महाराज बताए ये ऋणी बिल्कुल नहीं है किसी का, देवर्षि का, दे भूत आत्मनिनाम मदमी का, किसी का कोई ऋण नहीं है, कोई ऋण बचता नहीं जो भगवान का 100% चरण में शरणागत हो जाए, भगवत भजन करे, इसके लिए कोई ऋण नहीं बसता। नारद जी महाराज भगवत जी महापुराण में बता के दिया कि भगवान का चरण का सेवन करे, पूजन करे, कुछ भी करे, भगवान को संतुष्ट विधान करने का प्रयास प्रचेष्टा करे, इसमें सारे हमारा कर्तव्य कर्म जो है सारे समाधान बस हो पाएगा। नारद जी महाराज जी बताए यथा तरर मूल निषेचने तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च जथेन्द्रियाणम तथैव अर्हरणम अच्युतेज्जा। नारद जी महाराज ने यही बताए, दूसरा जगह बताए, एक जगह नहीं। यथा तरर मूल निषेचने तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, जैसे पेड़ों का जड़ में पानी देने चाहिए, कोई अगर पागल है तो ऊपर में पानी दे छिटका दे रहे पानी उधर क्या करे, जड़ में पानी देने से ही सारे भिक्षु का तुष्टि पुष्टि सारे हो सकता, इसमें जड़ में ही तो पानी देता है आदमी। ऐसा उदाहरण नारद जी महाराज दिए हैं यथा तरर मूल निषेचने न, वृक्षों का मूल में जड़ में जैसे पानी देना है, इसमें जैसे हड़ा भरा हो जाता है, इसका सारे शरीर शाखा प्रशाखा
पत्ता पुष्प सारे तुष्टि पुष्टि सारे हो जाते। ऐसा मां कि यथा तरुण मूल निषेचन तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा आप प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणम। जब हम भोजन करने बैठे कि माथे पे भोजन को लेके माथे में दे कि कानों में दे कि आंखों में दे कि नाकों में दे, बरा हमारा मुख में ही देना है, जीवा मुख में देना है, मुख गह्वर में उसमें खबर को ले चलो और खबर को खाना जो प्रसाद जो है दूसरा जगह देने का दरकार नहीं। यह देने से सारे तुष्टि पुष्टि पच जाएगा, तुष्टि पुष्टि हो जाएगा, एसिमिलेशन सारे बहुत हो जाएगा, सामान तमाम हंगामा खत्म है। लेकिन कोई अगर पागल कमा पी के नाकों में खाना देना चाहे आंखों में तो क्या होगा, मर ही जाएगा, उल्टा सीधा करे। सो यथा तरुण मूल्य सेचन तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणाम तथैव अर्हणम अच्युतैज्ञः। ऐसे ही अच्युत भगवान जिसको गीता में बताया गया ठाकुर जी ये संसार वृक्ष का जो मूल है, संसार वृक्ष का मूल कहाँ है गीता में बताया सप्त श्लोकी गीता में, ऊर्ध्व मूलम अधोशाखम, ऊर्ध्व मूलम अधोशाखम। ठाकुर जी मूल वस्तु है अनंत तमाम इन्फिनिटी ब्रह्मांड का। अरे इनके चरण में अगर हम लगन लगाए भजन करे तो हो गया, समस्या समाधान तो हो ही है। अब के अलग करके सब पूजा करना का शंकर को थोड़ा फूल दे दे, सुबह में भागता है देखो, विशेष करके यूपी में इधर उधर सारे सुबह के टाइम में 4 बजे से भागता है मैया लोग, इसको थोड़ा दे दिया दाना पानी, उस पानी डाल दिया, शिव जी महाराज की शीतला मैया की जय, शेर वाली की जय हो, सारे घूमते फिरते इधर उधर मंदिर में जाओ और छिटका दे। एक डब्बा है, एक एक डब्बा में जो देवता जो संतुष्ट है, किसमें सिंदूर है, किसमें अरवा चाल है, किसमें धान सब कुछ है, सोरसो के सारे लेके निकाल पड़ा, और फूल फल भी थोड़ा है चंदन लाल चंदन सब दे दिया। अब पानी का लोटा तो है ही है, ये पानी का पत्र है, सब संतुष्ट हो जाए, भूत प्रेत भी मेरा वो संतुष्ट हो जाए सब, ऐसा विचार है लोगों का। तो जे ये जो विचार करके दिखाया, देखो कितना सुंदर, जे ये जो लक्षण बताए आत्मरति आत्मतृप्तो आत्मसंतुष्टो, ये तो आत्माराम का विशेषण ही है। ये ऐसा मापिक आत्मनिष्ठ जो व्यक्ति है ये तो आत्माराम ही है। वस्तुतः ये लोग जो है कर्मा कर्म निरपेक्ष मुक्त पुरुष, कर्म है कि अकर्म है ये सब मुक्त पुरुष। पहले वाले जितना सारे यज्ञ का अनुष्ठान का बारे में बताएं, याद करके देखना जो पहला श्लोक में बताएं, ये जो यज्ञ है इससे कोई इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई कर्तव्य नहीं है। ये जगत चक्र जगत जो कुछ भी है चल रहा है, कर्म यज्ञ जो भी, ये इस क्या लेना देना है, ये तो आत्मतृप्त है, आत्माराम है, कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। अगर फिर भी कर्मों का कोई जरूरी है, कर्तव्य का लेना देना कुछ नहीं है, कर्मा कर्म निरपेक्ष पूर्वोक्त जो यज्ञ आदि का बारे में इतना सारे खुलासा किया विचार किया, ये लोगों का कोई दरकारी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ना करे तो भी कोई नहीं, करे कुछ भी नहीं, ना करे कुछ भी नहीं, फिर भी लोक शिक्षा के लिए अगर ये लोग करे तो बहुत अच्छा, ना करे फिर भी कुछ भी कोई ड्यूटी व्यूटी है नहीं, अगर करे तो मान लो कि लोग शिक्षा के लिए कर रहे हैं, लोगों को सही रास्ता पे चलाने के लिए कर रहे हैं। जनक महाराज जी का कुछ नहीं बचा, कुछ दरकारी है नहीं, ये देखने में राजा है लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी को शिक्षा दे रहे, परीक्षा कर रहे, बोलो सोचो क्या बात है,
जितना से बड़े बड़े महात्मा लोग जाता है जनक महाराज जी का पास शिक्षा लेने के लिए, ऋमणि ऋषि सब, तो क्या राजा है? जैसे महापुण्य भजन राज दर्शन और स्त्री दर्शन निषेध है, क्या महाप्रभु के जनक महाराज के लिए बताए कि परीक्षित महाराज के अम्बरीश महाराज पृथ्वी महाराज के लिए बताए? नहीं, मेटेरियल जो राजा है जो विषय में उलझे हुए हैं ये लोग के लिए बताए। नहीं नहीं, बाकी आधा जैसे हैं इतना बड़ा बड़ा जो है इनके लिए महार कुछ नहीं भाई। यहाँ तक कि महाप्रभु का आचरण इतना परफेक्ट है, राजा प्रताप रुद्रो टोटली डेडिकेटेड सोल प्रताप रुद्रो, फिर भी महाप्रभु नियम तोड़ा नहीं। खुद ने बोला ना विषय दर्शन, विषयी का दर्शन, राज दर्शन और स्त्रियों का दर्शन अगर भोग बुद्धि थे ये संपूर्ण निषिद्ध रेस्ट्रिक्टेड है, करना नहीं चाहिए सन्यासी ब्रह्मचारी। अब ऑयलिंग करने वाले तो बहुत है, भजन करने वाले तो मिलना बहुत मुश्किल है, बड़ा टफ है ये सब विचार में पहुंचना, उसके बाद भोजन भजन करना आसान बात नहीं है। लाल कापड़ पीला कापड़ दंड है नो तिलक माला वो तो इजी है, पीना पैसा मिल जाए, कोई खर्चा नहीं है, हम लगा दिए घर में जाकर लगा दिए। लेकिन एक एक बात का पालन करो तो ठिकाना चले, तब तो पता चले कितना बड़ा साधु। अगर फिर भी करे इसका कोई मतलब ही नहीं, फिर भी अगर करे तो ये लोक शिक्षा के लिए लोक रक्षार्थ, ये जो जगत चक्र चल रहा है इसको चलाने के लिए सही ढंग से आदर्शों स्थापन करने के लिए करे, नहीं तो अपना अपना कोई जरूरी है ही नहीं, अपना कोई जरूरी है नहीं, फिर भी अगर करे तो ठीक है। यही बात को ठाकुर जी कहना, यही बात को ठाकुर जी कहना चाहा कि देखो अगर इसका जरूरी है नहीं कर्तव्य कर्म करना और नहीं करना, कर्म संन्यास कर्म करना, इन दोनों में कर्म अच्छा है, क्योंकि किसी भी हालत से तुम कर्म तो आप छोड़ नहीं सकोगे, शरीर कर्म तो चलेगा, टट्टी पेशाब खाना पीना सोना, तो काय को कर्मों का विरुद्ध में एजिटेशन कर रहे हो, स्लोगान दे रहे हो कर्मो दूर हटो कर्मो दूर हटो, हैं कर्मों कैसे दूर, कर्म तो रहेगा ही, लेकिन कर्मों को सही ढंग से करो, कर्म करना और नहीं करने ये दोनों में कर्म करना ही अच्छा है, लेकिन जो टेक्निक कौशल बताए ये कौशल के द्वारा सही ढंग से करो तो उसमें कोई विपत्ति नहीं आएगी। दूसरा श्लोक पे ठाकुर जी बताए समझा, तो फिर इतना तक थोड़ा बहुत समझा आपने, इसका कोई कर्तव्य करो नहीं बचा, फिर भी लोक शिक्षार्थ लोक संरक्षणार्थ जगत चक्र ठाकुर जी का चल रहा है, ठीक है हम भी करके दिखाए, हे तो लोग भी कर, जो श्रेष्ठ आदमी जो करता है बाकी लोग भी सब करते हैं, चलो बाद में ये श्लोक आए। तो ये जो श्लोक है दूसरा श्लोक है, नैव तस्यो कृतेन अर्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थो व्यापाश्रयः। नैव तस्यो कृतेन अर्थो, इसका करने से भी क्या होता है, नहीं करने से भी क्या होता है, कुछ नहीं होता, इसका कोई कर्मानुष्ठान का कोई जरूरी है नहीं, और कर्मों से भी दफा रहने का भी कोई जरूरी नहीं, कर्म फेंक दे ये भी जो फेंके कब कब फेंके, जब उसको दुश्मन समझे, जब आपका आपको हम फेंकना चाहे तो मतलब आपका साथ मेरा दुश्मनी है, जब दुश्मनी नहीं है और दोस्ती भी नहीं है तो इसमें न्यूट्रल पोजीशन है, निराशक्त है। सो कर्मों को फेंकने का हाँ फेंकने का भी बात कहां से आता है, कर्म से तो तुम्हारा कोई लगन है नहीं, करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी इसको फेंको मतलब इसके वीकनेस है, हैं? क्यों माता जी क्यों माता जी लोग सब आश्रम में आया, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा वीकनेस है, अगर वीकनेस नहीं है तो ऐसे क्यों बता रहे,
रेस्ट्रिक्शन है तो है ही है, रेस्ट्रिक्शन चलेगा महाप्रभु जैसे बताए, लेकिन ये घृणा भाव है। जब कोई घृणा भाव है इसका मतलब विषय में घृणा है मेरा, इसका मतलब जरूर समझ लेना इसके अंदर में विषय छुपा हुआ है। लड़कियों से नफरत है मेरा, इसका मतलब लड़कियों से लगन है अंदर में गुप्त रूप से, बाहर में प्रकाशित नहीं है। ध्यान देके विचार करना, कभी भूलना नहीं, क्योंकि द्वारा चर्चा करना संभव नहीं, जिंदगी बहुत छोटा और चर्चा बहुत है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। एक एक बात सुनने के साथ एकदम उसको रिकॉर्डिंग कर लो हृदय में। हमने जिंदगी में गुरुजी का एक भी कथा को रिकॉर्डिंग नहीं की, बाकी लोग की, हमने हृदय में रिकॉर्डिंग की। गुरुजी ऐसा बोलते थे, क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्या उठा रहा है, इधर रहा, इधर रिकॉर्डिंग कर, ऐसा बोल रहे थे, बहुत बार बोले। तो ये जो है बात, नहीं व तस्व कितन अर्थ, इसका काम करने से भी कोई जरूरत है नहीं, कोई इसका कोई अट्रैक्शन नहीं, कुछ है प्रयोजन है ही नहीं, कि जो स्थिति में पहुंच गया है इसमें कर्म नहीं बसता, कर्म बोल के कुछ नहीं है। नहीं व तस्व कृतेन अर्थ ना ना अकृतेन यह कश्चन, अकर्म नहीं करना से भी कोई कर्म का विरोध कर्म का भी विरोध नहीं है, फेंक दो कर्म, नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं, इसका प्रयोजन है, न्यूट्रल पोजीशन में है। ए सर्वभूत, ये जो तमाम दुनिया में किसी का साथ इसका कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। नौ चासो सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यापाश्रय, किसी को पकड़ के किसी से कुछ लेना है ऐसा कोई मतलब ही नहीं। ठाकुर जी के हिसाब से कोई आया तो आया, नहीं आया नहीं है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। न चास्यो सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ अर्थ व्यापाश्रय, अपना सिद्ध अपना मनस्कामना सिद्ध के लिए किसी का आश्रय लिया, महाराज ऐसा कर दो थोड़ा आप धनी हो, मैंने सूर्य नारायण भगवान के लिए जब सूर्य कुंड में रहते थे एक घटना याद हुआ, ये बोलना जरूरी है ताकि आपको कोई बड़ा शिक्षा हो जाए। सूर्य कुंड बड़ा जब पहुंचा हुआ तो टूटा मूटा मंदिर है, बर्तन भी नहीं है, पहले वाला मोहनी बाबा कोई मायावादी क्या है, वो अपना झूठ अपना जो खाता है वही बर्तन में सब ठाकुर जी को लगाते थे, वो मर गया, बाग में जाके देखा हमारा गौड़िया मठ के साथ वो ऐसा करे, पागल है छागल क्यों कर रहे हो हैं, बोले महाराज क्या कहे कुछ नहीं, धत बंद करो, पत्ते में दो, जमीन पे दे दो, फिर भी ऐसा नहीं है, छी 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 छी। श्री संत गोस्वामी महाराज का शिष्य है एक पागल, बाद में तो ठाकुर जी फेंक दिया, जो भी है देखो ऐसा कर रहे हैं। तो हमने क्या किया और तमाम उधर का साधु संत बोला, देखो ये जो सिद्ध बाबा का मंदिर है, एक व्यक्ति ने बालीगंज में एक व्यक्ति धनी व्यक्ति भक्त है ये बना के दिया, उसको अगर जाके बोला जाए तो अगर सूर्यनारायण भगवान के भी रिफॉर्मेशन फिर एक्टिविजन कर दे, और हम भी बातों में आ गए, हमने बात हम क्या करे, इतना सा संत लोग बोले चलो महाराज आप जा आपका ही शोभा देता, हम तो जाते नहीं किसी के पास, हम ठीक है चलो बोला। तो कलकत्ता आया, आके सूर्यनारायण भगवान का जितना महिमा है अंग्रेजी में और बंगला में और डिफरेंट लैंग्वेज में छपवाया, सुंदर, शायद पढ़े होंगे कोई एक कोई कोई आदमी तो पढ़ा है सूर्यनारायण माँ भगवान का, वहाँ क्या महिमा है। इसके साथ थोड़ा बहुत कोई कुछ दिया तो इसमें बर्तन फर्तन खरीद लिया, प्रेस से छपवा लिया जल्दी, और से काम रहा कि वो आदमी का पास जाना है, सुना है वो धनी व्यक्ति है तो हम तो गरीब है, ठीक है चलो। हम गया उधर जाके दरवान है रोक रहा है, हम बोला उसको बोलो सूरज कुंड के आया है और बाबा उन्होंने उसका ही कोई महात्मा है जान छिन वहाँ भेज दिया। उन्होंने फोन किया, फोनों में हम नीचे अब फोन से बात हो रहा है, बात होते होते
हम बोला देखिए आपका थोड़ा कृपा हो जाएगा अगर अब सूर्यनारायण भगवान का ही मंदिर का ऐसा हालत है। अरे चढ़िए, फिर चिढ़ गया, क्या सोचते हो कि हमारा कृपा नहीं मिला, अभी भी मिलना बाकी है, ऐसा करके उल्टा सीधा। अरे सर ये तो आदमी है कि पहिया में पशु है, क्या कहाँ भेज दिया हमको। हम बोला ठीक है चलो, हम चल दिए हमको दरकार नहीं है, बस चल के गया हम। ठीक है ठाकुर जी का इच्छा हो तो हो जाएगा, बस हमारे ही गुरु जी का आश्रित है या तो नहीं आश्रित है, कुछ भी है ठाकुर जी जाने। उन्होंने अमेरिका में रहते हैं, पूरा खर्चा कर दिया, 60-70 लाख खर्चा करके कर दिया, बहुत पैसा चोरी भी हुआ, तब तो हम नहीं था, हम क्या करें, हम चला गया, क्या करें, वहाँ पॉलिटिक्स शोर हो गया, हम चले गए। पॉलिटिक्स में मैं नहीं रहता, घृणा करता है मैं, बचपन में भी कॉलेज में भी कोई पॉलिटिक्स में वोट फोट नहीं है। फिर क्या हुआ, एक साल भी नहीं हुआ, उसका बनाया हुआ सिद्ध बाबा का जो मंदिर है उसमें भंडारा चल रहा है, अब पूरा छाद गिर गया, हजारों साधु का नुकसान, किसका पैर टूटा मारा गया। हम बोला ठाकुर जी देखो, इसका इतना बड़ा दंभ है, अहंकार मिट्टी में मिला दिया, अब तू कुत्ता है, तेरा माते तेरा जैसा आदमी है वो तू ऐसा करने गया, अब अहंकार करके हमने ये कर दिया वो कर दिया, अब देख है तो पशु, हमारा कोई गुस्सा नहीं है, चलो खत्म हो गया। कितना मारा गया, कितना सर टूटा, पूरा छात भंडारा चल रहा उसका अंदर पूरा टूटा, इतना अभिमान है, हमने सेवा किया। अरे सेवा करने वाले का कभी अभिमान नहीं होता, तेरा मां भी सेवा करने वाला अनंत गुण में बहुत है, जा। तो ऐसा है, नहीं वो तस्सो कृते न अर्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्सो सर्वभूतेषु कश्चित अर्थो व्यापाश्रय। तो ऐसा मापी जो संत महात्मा है, बड़ा साधु है, गृहस्थी में रहते हुए भी बड़ा साधु है, गृहस्थी में रहता है फिर भी इतना बड़ा साधु हमने देखा नहीं, ऐसा भी देखा, गृहस्थी में रहता है, माताजी देखा, कोई माताजी बुढ़िया रहन, इतना बड़ा भक्ति, अरे बाप रे बाप, हमने जिंदगी में देखा ही नहीं ऐसा भक्ति हो सकता, अरे बाप रे बाप, इनके चरण का धूली मेरा माथे पे आए, कितना देखा। एक मैया देखी है ना गौड़ी वैष्णवी, अरे हम तो वो बहुत उम्र कम था मेरा, ए बुढ़िया देखते नहीं आंखों में अंधा है, ओ फिर लाठी ठोके चला जाता, मैया कहाँ गई, बोले बोले दामोदर दर्शन का है, कैसे गई, बोले ऐसे हंसते रहे, आंखों में देखता नहीं, इतना भक्ति है, ठाकुर जी का नाम बोलो तो रोना शुरू करते। अरे अरे वो वृंदावन में रहती थी, वो इतना भक्ति, आंखें मूंद के सिर्फ माला ही चल रहा है, अरे क्या ठाकुर जी का झांकी दर्शन कर रहा है, क्या है? हम लोग इतना अभिमानी है, सन्यास बन गया, बाबा बन गया, अरे क्या बन गया बाबा, क्या है पोजीशन, कुछ है ये इतना अहंकार करे। संसार में रहते हुए भी ये लोग कितना बड़ा महात्मा, अरे बाप रे बाप, त्यागी बनना ये बहुत आसान है बाहरी दृष्टि में, अंतर्दृष्टि में त्यागी बनना, गुरु बनना, आचार्य बनना, ये कहाँ का चीज है, सोचो तो पागल हो जाओगे। तो ये जो है नैव तस्सो कृते न अर्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्सो सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थो व्यापाश्रयः। ये दुनिया का किसी जिस प्राप्ति करके सिद्ध होने का कोई वासना है नहीं, किसी का आश्रय ले ले, सहारा में जाए तो अवश्य मेरा जे कुछ पूर्ति हो जाए, है ही नहीं कोई आकांक्षा आशा आकांक्षा बचा ही नहीं जिंदगी में, तो किसका लिए किसका प्यार पकड़े, प्यार पकड़े तो गुरु वैष्णव का पकड़े, गुलामी करे तो गुरु वैष्णव का गुलामी करे, चाहे चप्पल से पीटे, काली करे, कुछ भी करे, तो तुम ही तो सेवक, तुम्हार तुम ही तो ठाकुर, तुम्हार कुकुर, ऐसा विचार होनी चाहिए। लिखने का टाइम में, प्रतिवाद लिखने का टाइम में, कथा बोलने का टाइम,
अरे ठाकुर जी, ये गुरु वैष्णव मेरा प्रभु है, मैं कुत्ता हूँ। कुत्ता का काम ही है भोंकना। हमारा मास्टर है भक्तियों ठाकुर प्रभुपाद गुरुवर्ग के सब कुछ, ये मेरा मालिक है। ये लोग, ये लोगों का कोई स्वार्थों का कोई खिलाफ हुआ तो कुत्ता का वहां भी एकदम जाके उसको काटने जाएंगे। रात क्या कर रहा तू, यही है कुत्ता का वफादारी में। कुत्ता का नाम सबसे पहला आता है, चाहे मेरे को कोई बार कुत्ता है श्याम बाबा, ठीक है अच्छा है, लेकिन कम से कम वफादारी में आगे है कुत्ता। तो दुनिया का किसी का पीछे भक्ता नहीं, आश्रय लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आप में तृप्त है, कोई जरूरी है नहीं, क्या करे। ऐसा करके ठाकुर जी अर्जुन को समझा रहे, देखो ऐसा सुंदर। और ऐसा करके देखा जाए तो बहुत सारे विचार बनता है अंदर में। आत्मरति विशिष्ट कोई व्यक्ति का कर्मों का कोई आवश्यकता है नहीं, ये सब चर्चा करके हमने दिखाया, और ज़्यादा बोलने का समय भी नहीं है, नहीं तो और सारे बहुत सारे विचार हैं। और श्रीमद्भागवत जी महापुराण से एक श्लोक है, देवगणों का वाक्य वंदना कर रहे ठाकुर जी को, तथा नौते माधव ताव कहा कचित भ्रशंति मार्गा तैवद्ध सौहृदा तयाभिगुप्ता विचरंति निर्भया विनया का निकोपो मूर्धसु प्रभु। हे माधव, आपका जो भक्त लोग है ये आपका साथ प्रेम का डोरी से बंधा हुआ है, प्रेम का डोरी। ये बंधन कैसा बंधन है, आपका जो भक्त लोग है ठाकुर जी आपका साथ प्रेम का डोरी से बंधा हुआ है, बद्ध सौहृदा। और ठाकुर जी भी कहते हैं क्या करो, ये मेरा सर्वस्व है भक्त लोग, और हम भी इन लोग का सब है। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव दिजो, हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं भक्तों का अधीन हूं। भगवान का जितना सारे गुणावली है, अनंत गुणावली, इनमें से सारे गुणावली को उपमर्दन करके सबसे भारी पड़ने वाला जो गुण है तो सब गुण भारी है, फिर भी सबसे ऊपर ये भक्तवत्सल कहलाने वाले, भक्तवत्सल कहलाने वाले, ये सबसे बड़ा ऊपर है। ये प्रेम छोड़ के कुछ नहीं जानता, तेरा पैसा है नहीं है, कुछ है नहीं है, वो मैं नहीं जानता, तेरा कितना प्यार मेरे से है इतना ही मेरा हिसाब किताब है। देवता लोग कह रहे हैं ये एक ही बात, तथा नौते माधव तब कहा कचित भ्रशंति मार्गा तैवद्ध सौहृदा तयाभिगुप्ता विचरंति निर्भया विनय का निकपो मूर्धसु प्रभु। हे माधव, आपका जो भक्त लोग है ये आपका साथ प्रेम का बंधन, प्रेम का डोरी से बंधा हुआ है। आप भी ये लोग प्यारा हो, ये लोग भी आपको प्यार करता है बहुत। और ये लोग कभी भी अपना अवस्था से पोजीशन से भ्रष्ट नहीं होते, जो प्रेमी भक्त है ये कभी भ्रष्ट नहीं होते, ये लोग कभी भ्रष्ट नहीं होते। क्या ये लोभ देखा है, हमारा इतना करोड़ रुपया दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको मालिक बना देंगे, आचार्य बन दो तो जा भाग भाग यहां से। हमने तो ऐसा भी संत जानता है, वेदांतों का एकदम इतना बड़ा विद्वान है, इतना बड़ा विद्वान है ये दुनिया में, ऐसा मिलना मुश्किल है। उसको सिरोप्पा देने आया, आपको पूरा लटकाएंगे, माला देंगे आपको, आपको बोले भगा दिया कुत्ता का, भाग यहां से, भाग यहां से। हम इसलिए वेदांत पढ़ा, ठाकुर जी ने मेरे को वेदांत तो सिखाया, इसलिए तेरा माला लेंगे हम, जा यहां से,
कोई पद भी पद हमको आज टाइटल वाइटल नहीं, अब आ गया से भगा दिया। ये भी है महाराज, ऐसा भी देखे हैं। वाह कितना सुंदर। आहा तो ये लोग का अंदर में इतना जो पावर है, इतना जो निश्चिंत भाव है, बिल्कुल बेचैनी है ही नहीं, बेचैनी बल्कि कोई चीजें भी है नहीं, गंदगी नहीं। किस लिए? भले ये लोग 100% भले भति ये लोग जानते हैं कि दे आर प्रोटेक्टेड बाय यू, ये लोग जानते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन तो ठाकुर जी है ही है, हमारा सब कुछ भाला हो मंदा बूढ़ा हो कुछ भी हो, बस ठाकुर जी है और क्या चिंता है। तुम्हें तो अमार अमी तो तुम्हार की काज अपराधन है, तुम हमारा हो हम तुम्हारा हो ठाकुर जी, अब किस संपत्ति को अपनाए, किसका पीछे भागे बोलो। आप प्रसन्न होने से सब प्रसन्न हो जाता है दुनिया, आप प्रसन्न हो तो सब कुछ हो जाएगा, क्या प्राप्ति का कुछ इच्छा ही नहीं है। जस्मिन प्राप्त सर्वमिदम प्राप्तुम भवति, जस्मिन ज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवति, और सारे भागवत में भी ऐसा है कुछ, ये तो उपनिषद का है, भागवत में ऐसा है किम अलभ्य तई प्रसन्न। ठाकुर जी तुम अगर प्रसन्न हो जाओ क्या कुछ बाकी रह जाएगा मेरा जिंदगी में, ये बताओ। क्यों मैं पशु का मापिक भाग रहा हूं विषय के पीछे, क्यों भाग रहा हूं, क्या कारण है? जब तुम ही हो मेरा अनंत ब्रह्मांड का मालिक तुम हो, हमने कोई संपत्ति नहीं मांगा आपसे, बस सेवा कर सके इतना ही काफी। हमने ये नहीं बोला कि हम डिपॉजिट कर दे कुछ मान, ना 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 ना, डिपॉजिट का बात ही नहीं है, जो आए खर्चा कर दो, बाप प्रिंटिंग में लगा दो, प्रेस में ना गौ माता का लगा दो, सब लगा दो, खर्चा कर दो, दो क्या करें, पैसा रहे तो ये तो फांसी का फंदा बन जाए, मारने आएगा कोई लूटने के लिए, उसके उससे पहले खर्चा कर दो, ये तो ठाकुर जी है चला लेगा, नहीं चलाएगा नहीं चलाएगा, हमारा तो है नहीं, हम ठेका लेकर नहीं बैठे, सेवा करने बैठे, बस बस हो जाए ठाकुर जी का सेवा। तो ये जो है विश्वास, ये लोग ठाकुर जी के ऊपर पूरा विश्वास जमा के बैठा हुआ है, जो करे अच्छा ही करे, जो करे अच्छा ही करे, कोई मंदिर से मेरे को कुछ उल्टा सीधा किया कुछ भी किया, हमने बाद में देखा अच्छा ही किया, ये तो अच्छा ही के लिए, ये मेरा अच्छाई के लिए हुआ था ठाकुर जी, अच्छा किया, आ नहीं तो कैसा होते ये सब सेवा। तो ये कह रहे हैं कि तयाभिगुप्ता विचरंति निर्भया विनय का निकोप मूर्धसु प्रभु विघ्न विघ्न बनाने वाले जो है विघ्नो, जब जितना सारे समस्या खड़ा करने वाले हैं, ये समस्या खड़ा करने वालों का मस्तक पर पैर रख के ये निर्भय विचरण करता है, तेरा हिम्मत है कुछ भी कर ले जा, तेरा हिम्मत है कुछ भी कर ले जा, ऐसा कर निर्भय, वो है ठाकुर जी है, निर्भय विचरण करता है। जैसे महाराज याद है ध्रुव महाराज जी का जो सिद्ध पद, ध्रुव महाराज जा रहा है अभी, ध्रुव महाराज चल रहा है ध्रुव पद को जा रहा है अंतिम समय, और शरीर को नहीं छोड़ा, अरे गया तो शरीर को नहीं छोड़ा, नहीं, एक ही आश्चर्य वस्तु है, ध्रुव महाराज के बारे में लिखा हुआ है ध्रुव महाराज शरीर नहीं छोड़ा, इसी शरीर में गया, अरे कैसे संभव है, भले यही तो बात है, हैरान की बात है। जब विष्णु दूत आए विमान को खड़ा कर दिया, महाराज पधारो, पर क्या है, बोले ठाकुर जी भेजा है, चलो अपना जगह पे चलो, बोले हमारा मैया नहीं जाती तो हम कैसे जाए, तो मैया बैठा हुआ है, वो भी बैठी है, वो भी भजन की बहुत है, तो तुम्हारा माता जी, तुम्हारा जो भजन का फल है माता जी को भी मिलेगी, माता जी को मिलेगी मिलेगा, और माता जी पहले वो विमान में बैठी हुई है, अच्छा चलो हम भी चले।
बैठने गया तो विमान में चढ़ने का टाइम में आ गया एक राक्षस पिशाच। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? बोले कौन है आप? बोले हमारा नाम है मौत, मृत्यु। तो क्या हुआ? बोले हमको अतिक्रम करवे कोई नहीं जा सकता, आप कहाँ जा रहे हो? ओ अच्छा, आपका नाम मौत है, मृत्यु है, इधर आओ। देखे उसका बाद मौत का सिर सर पर पैर रखे प्लेटफॉर्म बना के प्लेन में जैसे चढ़ता है चढ़ के बैठ गया। चलो हो गया, बैठ गया, विमान चल दिए। अब मृत्यु क्या करे? तया अभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनय का नीकोप मूर्धसु प्रभु। ये सच्चा बात है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और रामायण का बात भी है, सर्वदा अभयम तस्मै ददामि अहम व्रतम मम, रामचंद्र जी ने बताया। जब सकृत एक बार, सकृत मने एक बार अगर कह दे कि ठाकुर जी मैं आपका हूं, बस तब तब अस्मि इति, तब अस्मि हे ठाकुर जी, तब अस्मि हम आपका है, इतना अगर बस सकित एक बार कह दे तो सर्वदा अभयम तस्मै ददामि अहम व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और लिखा सुंदर, हरि भक्ति आछे जार सर्वदेव ब्रह्म बंधुतार। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा कीर्तन में, हरि भक्ति आछे जार सर्वदेव बंधुतार, भक्ति सबे करें आदर, सब लोग भक्तों को आदर ही करता है। कोई राक्षस अगर दैत्य दानव है तो लड़ाई करेगा ही वैसे, लेकिन भक्तों को आदर करता है सब। क्यों? भक्ति है अंदर में, भक्ति देवी बैठी हुई है। ऐसा करके बताए। और इसका बाद एक सुंदर श्लोक आता है, ठाकुर जी ने बताए, तस्माद अशक्तः सततम कार्यम कर्मो समाचरो, अशक्त ही आचरण कर्मो परम आपनोति पुरुषः। तुमको आसक्ति होके अर्जुन, तुमको निराशक्त होके कर्म करने के लिए मैंने बताया था, अतएव निराशक्त होके सर्वदा कर्तव्य कर्मों आचरण करने के लिए तैयार हो जाए। इसमें नाई नहीं कर देना, ना करेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सर्वदा ये अनासक्त निरासक्त होके या अपना कर्तव्य कर्मों को निभाने के लिए प्रयास प्रचेष्टा करो, अनुष्ठान करो। क्योंकि अनासक्त भाव कर्म करते करते जीवों का आत्म साक्षात्कार रूप परतत्व लाभ होता है। अभी आपका विश्वास नहीं होगा, लेकिन अपना जिंदगी में करते करते करके दिखाओ, अपना पालन करो, करके देखो सच्चाई की टेस्ट परीक्षा कर लो अपना जिंदगी में। अपना जो वास्तविक वर्णाश्रम धर्म का जो कर्तव्य आपका है ये करते चलो, बिल्कुल निराश नहीं होना, सही ढंग से कोई आशा नहीं, कोई करते चलो। भगवान को सामने रखकर अपना कोई कुछ नहीं है, कर्मण्येव अधिकारस्ते ना मा फलेषु कदाचन, ऐसा भाव अगर आपका दिल में हुआ होगा तो जरूर तत्व ज्ञान का उन्मेष अपने आप होने लग जाएगा। बहुत सारे सदन कसाई आदि, हम सब ये सब बोलने का कोई टाइम ही नहीं है मेरा पास। मेरा अपना संप्रदाय में इतना कुछ है, समुंदर, अनंत समुंदर, इसलिए बाहर का बात उठाते नहीं। कभी कभी आप लोगों को थोड़ा समझने में सुविधा हो, ऐसा है, ये जरूर है। अपने आप में अपना कर्तव्य कर्म निराशक्त रूप से करते 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 आपको तत्वज्ञान का उन्मेष होने लग जाएगा। और तस्माद अशक्त, तस्माद अशक्त
सततम कार्यम कर्मो समाचरो, अशक्त ही आचरण कर्मो परमापनोति पुरुषः। परम मतलब परम का व्याख्या किया भक्तिविनोद ठाकुर, व्याख्या किया परम का अर्थ किया है आत्म साक्षात्कार रूप तत्व, पर तत्व ज्ञान लाभ। मैं कौन हूं इसका अनुभव आए। बाकी दूसरे जगह जगह परम बोल के कोई मोक्षो व्याख्या किया, कोई कुछ ऐसा किया है, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा व्याख्या किया ये मेरे लिए मंजूर है। और दूसरा सूत्र में भगवान उदाहरण दे दिए, मैंने जो बात कहे ठाकुर जी उसका प्रैक्टिकल प्रमाण भी दे रहे हैं। ऐसे तो ठाकुर जी का एक एक बात सब प्रैक्टिकल है, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल में उतारता नहीं, समझते नहीं हम। यहां ठाकुर जी बताए अर्जुन को, कर्म नैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय हो लोको संग्रह मेवापी संपसन करतुम अरहसी। अगर ये सब विचार प्रस्तुत किया, अगर आपका समझ में आए तो अच्छा है, फिर भी देखो कर्म नैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय हो, ये सब जनकादि ऋषि जो है, जनकादय हो मतलब जनक है, पृथ्वी महाराज अम्बरीश महाराज है, ये सब राजा युधिष्ठिर महाराज, कर्म नैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयो। ये जनकादि जो ऋषि है कर्मों के द्वारा ही संसिद्धि लाभ किए हैं। ये लोग का कर्म से कोई मतलब नहीं है, फिर भी किया है। कर्तव्य कर्म सच के ठाकुर जी को रिझाने के लिए, संतुष्टि विधान ठाकुर जी को संतुष्टि के लिए। सो लोक शिक्षा के निमित्त, लोक शिक्षा के कारण जनकादि ऋषि आदि जनकादि सारे राजर्षि सारे किए, तो आप भी करो, आपको भी करना जरूरी है। क्योंकि देखो आगे वाले जितना सारे बड़े बूढ़े हैं, इतना कितना सम्मान है जनक महाराज जी का, ये भी किए हैं, मान्यता प्राप्त है सारे ऋषि मुनि समाज में, यहाँ तक कि ठाकुर की ठाकुर जी के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सो कर्म नैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय हो लोको संग्रह मेवापी संपसन करतुम अर्हसि। लोक शिक्षार्थ ये तमाम जगत को चलाने के लिए ठाकुर जी का जो जगत चक्र कर्म चक्र चल रहा है, इस चक्रों को चलाने का सहयोग भी करना चाहिए। लोक शिक्षार्थ कर्म करना ये भी जरूरी है, देखो विचार करके देखो, ये भी तो जरूरी है। ये ना करे तो बाकी लोग भी उल्टा रास्ते में चलना शुरू कर देगा, बहुत सारे विचार है। इसके बाद ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करते रहते हैं, आम आदमी उसको ही पीछा करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति का दिखाया हुआ जो रास्ता है, मार्ग है, इसी में चलने के लिए तैयार हो जाता लोको सदन करते थे। सो आम आदमी जिसको प्रामाणिक बोल के मान लेता है, दूसरा आदमी आम आदमी सब उसका पीछा करता है। ये नियम है, ये नियम है समाज में। सो लोगों को चलाने के लिए जगत चक्र ठाकुर जी के विश्व पिता का जो जगत चक्र है, ये जो कर्म जो कि चल रहा है, इसमें सहयोग दान हमारे भी होनी चाहिए। और श्रेष्ठ व्यक्ति अगर कुछ भी जरूरी है नहीं, फिर भी करे सही रास्ता पे चलने का प्रयास करे और लोगों को दिखाए मार्ग, तो उसमें क्या नुकसान है? नुकसान तो कुछ है नहीं।
ऐसा करके गुरु जी ने एक उदाहरण दिए हंसते हंसते, बोले हमने हैरान हो गए, गुरु जी कह रहे हैं कि तब हम कालना में रहते थे अनंत वासुदेव जी का मंदिर में, और पितृपक्ष में महालय का सुबह में तर्पण पर करने गए सब आदमी, अरे हम भी चले, हम गया क्यों, क्योंकि हमको तो नित्य नहाना ही है, हम गंगा में नहाता है डेली, तो नहाने के लिए गए तो देखिए अरे भीड़ भड़क्का है चारों ओर, ब्राह्मण सब सब ये कर रहा है, हैं पितृपक्ष में जल दे रहा है, तिल दे रहा है, सब दे रहा है, मंत्र कर रहा है। तो एक मुखार्जी बाबू बोल के कोई धनी व्यक्ति है, बहुत विख्यात तो फेमस है, अनंत वासुदेव का बगल में ही है, वो क्या किया, वो सुबह में तर्पण करने चला अपना कोशाकुशी जो है तामे का पात्र सब लेके। अब जाके देखा इतना भीड़ है, अब नहाए कैसे, और नहाने जाए तो कोशाकुशी तो गायब हो जाए, तो चलो सबका कोशाकुशी रखा हुआ है, रख के सब नहा रहा है, मुखर्जी बाबू भी अपना कोशाकुशी को रख दिए। लेकिन रखने का बात क्या किए, थोड़ा गंगा माटी का एक हैंडफुल हाथ में थोड़ा गंगा माटी उठाए और कोशाकुशी का अंदर डाल दिए, क्या ताकि दूसरे का कोशाकुशी जो है तामा के पत्रों उसका तक कंफ्यूजन ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा माटी डाल उसमें डाल दिया। पर फेमस व्यक्ति है कालना में, बस नहाने गया, नहाने के बाद जब उठ के आया तो अपना पंच अपना जो पात्र है कोशाकुशी कहाँ गया, गायब हो गया, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। सब आदमी क्या किया, मुखर्जी को देख के सारे अपना पात्र में एक एक ऐसा माटी रख दिया सारे, बोले ये नियम होगा शायद, कुछ नियम जरूर होगा, मुखर्जी बाबू ने दिया हम भी दे दे, सब दे दिया। मुखर्जी बाबू तो हैरान हो गया, हमारा पात्र कहाँ से एक जैसा है। गुरु जी हंसते हंसते बोला कैसा बात है, देखो आम आदमी जैसा एक बकरी को पकड़ के मालिक ले चले तो पीछे बाकी बकरी छूटना शुरू कर दे, बाकी जो बकरी है उसको पिटाने का तो पिटाई करने का जरूरी है नहीं, एक बकरी को लेकर चलो वो झुंडू से और बाकी बकरी चलना शुरू कर दे, ऐसा ही है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करे, इसलिए भगवान भी कहे रामचंद्र भी अपना फर्ज निभाया, अपना कर्तव्य कर्म करके दिखाया, सारे तमाम रामचंद्र जी ने दिखाया, चैतन्य महाप्रभु अपना कर्तव्य कर्म करते दिखाया, और भगवान श्री कृष्ण भी दिखाया, और यहां ये कहने का मतलब है, तात्पर्य ये है, ये जो श्लोक है इसका बोलने का क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है ठाकुर जी, बोले जद जद आचरति श्रेष्ठ तत्तर स्वयात प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। यहां विचार ये बनता है कि अर्जुन एक प्रतिष्ठा संपन्न व्यक्ति है, तमाम दुनिया अर्जुन को जानते हैं, उसको वीरता के लिए उसका जस है, चारों ओर फैला हुआ है जस, दुनिया का ऐसे कोई आदमी नहीं जो अर्जुन को नहीं जानते, फैला हुआ है प्रतिष्ठा। शो अभी अगर अर्जुन अगर डरपोक होकर युद्ध सब छोड़कर भागे तो यथा विहित तो कर्म करे अर्जुन, ये भी दृष्टांत तो माइलस्टोन बन जाएगा, यथा विहित तो दृष्टांत तो स्थापन पूर्वक लोक समाज में कल्याण का निमित्त अगर युद्ध ना करे भाग जाए, ये भी एक दृष्टांत बन जाए, और अगर अच्छा दृष्टांत तो स्थापन करना चाहे, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसका जस है, नाम है, कुछ भी बहुत सारे जस फैला हुआ है चारों ओर जगत में, अगर दृष्टांत तो स्थापन करके लोक हित के लिए तमाम दुनिया को अपना मार्ग दिखाने के लिए, इसी जगह अपना क्षत्रिय होने के नाते युद्ध क्षेत्रों में युद्ध होने जा रहा है, इसी स्थिति पे यथाविहित तो दृष्टांत तो स्थापन करके लोक समाज में कल्याण का निमित्त अपना कर्मानुष्ठान करना जरूरी है, अर्थात युद्ध करना ये भी जरूरी है, ना करे ये भी आदमी उल्टा रास्ता भी चले जाए, अगर प्रयोजन भी नहीं है तो प्रयोजन तो है ही नहीं युद्ध करना, तुम्हारा कोई बेमतलब, फिर भी
ये धर्म युद्ध है, आया है तुम्हारा सामने, तुम क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज बनता है, और भागना कोई काम नहीं, क्षत्रियों का भागना नहीं है। युद्ध चापी अपलायनम, युद्ध क्षेत्रों से पलायन करना ये क्षत्रियों का काम नहीं है, ये कायर का काम है। अंग्रेजी में एक बात आता है, अ कावर्ड डाइज मेनी टाइम बिफोर हिज डेथ एक्चुअल डेथ, रियली सो, हमने विचार करके देखा है, ये तो अंग्रेज लोगों ने लिख दिया लेकिन सच्चा लिखा। एक कायर आदमी जो कावर्ड है ये मरने का पहले बहुत बार मर जाता है, डरपोक मर जाता है रियली, इसका सम्मान चला जाता है, डर के मारे भागता है, कुछ कर्तव्य करता नहीं, तो मरने का पहले बहुत बार मारा जाता है। अ कावर्ड डाइज मेनी टाइम बिफोर इज एक्चुअल डेथ, सच्चा बात है, लिखा है अंग्रेज लोग लेकिन बक्का पक्का बात बोला है। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन वाइज, सच्चा बात है, ये शास्त्र में भी विचार है। जो समय से बिस्तारा पे जाते हैं, सुबह में उठ जाते जग जाते, सूरज उदित होने का बहुत पहले जगना चाहिए, अगर सूरज उठने का बाद नेत खुलता है वो गाधा बन के रख जाएगा, चाहे मेटेरियल एजुकेशन कितना भी हो वो गाधा तो गाधा ही रह जाएगा, इसका चेतना का विकास होना मुश्किल है। गुरुजी बोलते थे बाबा भजन तो बाद में करे, सुबह में उठना ही कोई किसी का इच्छा नहीं, ए अरे बाप रे ठंडे का मौसम है, रिजाई का आराम है, वो छोड़ के कौन जाता है ठंडा पानी में नहाने के लिए, अरे ना नहे तो दिन खराब जाता है, 3 बजे उठो और नहाओ कम से कम 3 बजे ठंडा पानी में, ना नहा पाए तो दिन खराब गया, आज का दिन बेकार गया, चलो ये हो ही नहीं सकता। भजन जिंदगी में कभी ये दिन ना आए किसी का, भजन ही क्या है, भजन तो सुबह में अवश्य करना चाहिए, सुबह में अरे जागे 8 बजे बाबू जागा सन्यासी आहा कहाँ का आया। तो अर्जुन को ऐसा बताया ठाकुर जी, देखो तुम श्रेष्ठ आदमी हो, तुम्हारा जोश फैला हुआ है, तुम अगर ऐसा युद्ध कर्मों करोगे तो ऐसा अनुष्ठान वीरता पूर्वक, तो एक आदर्श माइलस्टोन बन के रह जाएगा, क्योंकि आम आदमी श्रेष्ठ आदमी का अनुवर्तन करते रहते। आर शास्त्र के मुताबिक श्रेष्ठ आचरण ही कल्याणकामी कनिष्ठ व्यक्तियों के लिए अनिष्ठ हो, जो कल्याणकारी कर्म फेमस आदमी करता है, फेमस मतलब जिसका फेमस मतलब जड़ जगत का कोई नोटोरियस है वो फेमस, ऐसा नहीं, जिसका शास्त्रों का ज्ञान है, समाज में प्रतिष्ठा, बहुत अच्छा आदमी चाहता है ठाकुर जी का अनुकूल, ऐसा लिए आम आदमी कुछ दिखाए तो क्या है, ऐसे तो कर रहे हैं ना बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, ये चोर ये सब कर रहे हैं, तो आम आदमी बोले हम भी चोरी करें, रास्ता का प्रिपरेशन किया 75% खा गया 25% लगाया, बस देखो 2 महीना भी हुआ नहीं, वो खराब हो गया, चोर है। नंदगांव में ये जो कामा वाला रास्ता है, हमने सुना है सोरती महाराज से, शरीर छोड़ दिया महाराज, पेपर में 3-4 बार हो गया ये रास्ता, पेपर में, ऐसा नहीं हुआ, पेपर में रास्ता हो गया, पैसा खा गया। कोई रास्ता हुआ ही नहीं, आया ही नहीं कोई, सिर्फ साइन मार दिया, रास्ता हो गया, ऐसा चोर है सब। तो चोरों का जिंदगी में क्या होगा, है तो भारत भूमि लेकिन सब चोर है। भक्तिमोहन ठाकुर कहते थे ब्रिटिश जमाने में फिर भी हम लोग अच्छा, हम जाने कि वो लोग लूटते थे, फिर भी ऐसा लुटेरा नहीं था, लूटते तो थे, अब तो अपना अपना जो शरीर का खून खुद पी रहा है, तब तो बाहरी आदमी खून पी रहा, भक्तिमोहन ठाकुर के लिखने में हमने देखे हैं बहुत बार, ब्रिटिश जमाने में अपना भजन करने का बहुत रास्ता था खुला, वो धर्मों के ऊपर कुछ नहीं करते थे, वो तो शोषण करके ले जाते थे, कहते ये तो अपने आप खा जाता, अपना शरीर का खून खा जाता, तो ये तो और भी खराब है, क्या करें, एक ही स्वाधीनता है, लिबर्टी है, भारत भूमि स्वाधीन हुआ, क्या जाने ठाकुर जी जाने और आप लोग जानो, जो भी है
जज्जत जज्जत आचरती श्रेष्ठ तत्त इवेतरो जन सजत प्रमाणम कुरुते लोक सदनु वर्तते। ऐसा करके ठाकुर जी ने विचार बताया और आज तो इससे बढ़कर और विचार करने का समय भी नहीं बचा गया। न कामये अहम गतिमीश्वरात् पराम अष्टरिद्धिर्युताम् अपुनर्भवम् आर्तिम प्रपद्ये अखिल देहभायाम् अन्तःस्थितो येन भवन्ति अदुःखाः वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।